चमकते हुए गहने पहन के उसे शीशे में खुद को निहार के नजर उतारने की आदत पड़ जाती है, जो स्त्री नित्यम ज्वेलर्स जाती है। नित्यम ज्वेलर्स आपको देते हैं 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें है 91.6% सोने की शुद्धता। यहाँ आपको मिलेगी लाइटवेट ज्वेलरी की नई रेंज, प्रमाणित हीरो के आभूषण, एंटीक ज्वेलरी से लेकर लेटेस्ट डिजाइन के आभूषणों की आकर्षक रेंज, राजपूती गहने, आर, ठूसी, पोची, बाजूबंद। नित्यम ज्वेलर्स पर आपको मिलेंगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की जांच सुविधा। यहाँ सभी आइटम्स की बिलिंग नेट वेट पर की जाती है, जिसका भुगतान आप नकद में, डेबिट कार्ड से या पेटीएम से भी कर सकते हैं। नित्यम ज्वेलर्स, शांति टावर, सादुल सिंह सर्किल के पास, पब्लिक पार्क, बीकानेर। नित्यम ज्वेलर्स, गहने जो पीढ़ियों तक साथ चले, परिवार की शान बने। कली ब्यूटी पार्लर, महिलाओं के लिए सभी तरह की ब्यूटी सर्विसेज का वाजिब दामों पर समाधान। यहाँ ट्रेन स्टाफ द्वारा ब्यूटी सर्विसेज जैसे थ्रेडिंग, ब्लीच वैक्स, मिल्क वैक्स, चॉकलेट वैक्स, एलोवेरा वैक्स, पीका वैक्स, रोल ऑन वैक्स, सभी तरह का हेयर कट, मिनीक्योर, पेडिक्योर, सभी तरह के ब्रांडेड फेशियल्स दी जाती हैं। और इसके अलावा कली ब्यूटी पार्लर ब्राइडल मेकअप के लिए स्पेशलिस्ट है। क्लीन अप, हेयर कलर, शैम्पू, हेयर स्पा, हेड मसाज, टेम्पररी और परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग, बेबी मसाज है। आधुनिक सुविधाएं होने के साथ साथ पार्लर पूरा वातानुकूलित है। कुछ सीमित समय के लिए कस्टमर्स को 30% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। हमारे यहाँ शादियों में मेहंदी कार्य की सुविधा भी उपलब्ध है। आपकी खूबसूरती को निखारने का एक मौका हमें अवश्य दें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कली ब्यूटी पार्लर, 19 सादुल कॉलोनी, यदु बुक सेंटर के पास, बीकानेर। फोन नंबर 9119254055। Are you looking for a school with quality education and spirit of sports? Then pick out St. Vivekanand Senior Secondary School, affiliated to CBSE. The best school for science, arts and commerce since 1990. Admissions open from class nursery to 12th. Excellent results in board exams and competitions like JEE Mains and NEET. Resourceful library, yoga, meditation and music class. And now, St. Vivekanand Senior Secondary School proudly announces the opening of Sports Academy. Table tennis coach, Mr. Lalit Bittu. Skating coach, Mr. Yogesh Khatri. Kudo mixed and martial art, Mr. Pritham Sen. Now learning is cool. St. Vivekanand Senior Secondary School, Murti Chauraha, 3E Jainarayan Vyas Colony, Bikaner. For more inquiry, contact 0151-223-1906 or 93514-59173. Email stvivekanand@yahoo.com. आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। रेलवे सिटी में चल रहे ऑपरेशन सर्च करने पहुंचे जिला कलेक्टर कुमार बाबर। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की एक बैठक का आयोजन हुआ कलेक्टर सिंह। कांग्रेस के प्रत्याशी मदन बेगवाल ने खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किया संपर्क लोगों किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर प्रस्तावित दौरे को लेकर पत्रकार सिंह स्टेडियम का मुआयना किया। भाजपा के प्रत्याशी प्रताप बेगवाल सहित कई नेता और कार्यकर्ता। जूनागढ़ में लगा गणगौर का मेला, बड़ी संख्या में लोगों ने मौजूद दर्शक। शहर में गर्मी के जबरदस्त तेवर लोगों की बदल रही है नेचर। कालेश्वर महादेव मंदिर पर कहते सारा समय सूर्य देवी महाराज ने भी अधिक से अधिक मतदान करने का दिया संदेश।
जिला कलेक्टर दरबार पार्क और सबसे मेहनत रंग लाइन पब्लिक पार्क में दिखने लगे हैं। रंग जबरदस्त शाम को रहता है। सबसे पहले बातचीत करते हैं बीकानेर जिला प्रशासन पुलिस विभाग और डीआरएम की तरफ से रेलवे स्टेडियम में एक ऑपरेशन सुरक्षा चक्र चल रहा है। विद्यालय छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की गुण सिखाने के उद्देश्य से यह शिविर चल रहा है। 22 अप्रैल को इस शिविर का शुभारंभ हुआ जिसका उद्घाटन डीआरएम अनिंदु ने किया। इस शिविर के दूसरे दिन जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम भी रेलवे स्टेडियम में पहुंचे। बड़ी संख्या में युवतियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते देखकर वे काफी खुश और रोमांचित भी नजर आए। इस मौके पर कुमार पाल गौतम ने कहा कि युवतियों को आत्मरक्षा की तकनीक सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दौर बदल रहा है, उस बदलते दौर में आत्मरक्षा की तकनीक के साथ में युवतियों में आत्मविश्वास का संचार होगा। इस मौके पर जहां गजेंद्र सिंह राठौर और प्रशिक्षक प्रीतम सिंह और सोनिका सेन भी मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं रेलवे स्टेडियम जहाँ पर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने युवतियों को खासतौर से आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया। मार्शल आर्ट एक ऐसी कला है आर्ट की जिसमें आप कम बल का प्रयोग करते हुए अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी पराजित कर सकते हैं। और बच्चियों को ये सीखना बहुत जरूरी है। आजकल जिस तरह की घटनाएं समाज में और देखने को मिल रही है, उस समय ये समय की आवश्यकता भी है कि ऐसी टेक्निक प्रत्येक बच्ची को आनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की अगर हरकत करने का प्रयास करता है तो आप उसको धूल चटा सके। आप सब लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब यहां से सीख के जाएंगे। बीकानेर के जिला कलेक्टर कार्यालय में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों की बैठक रखी गई। बैठक के दौरान अब तक चल रहे मतदाता जागरूक कार्यक्रम की समीक्षा की गई। आने वाले दिनों में 6 मई तक बीकानेर में मतदाताओं को और कैसे जागरूक किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस बैठक की कुछ झलकी। म्यूनसिपलिटी एरिया है वहाँ पे और बीकानेर का नाम लिली पार्क ये 9 बजे का। और ये मैं आपको सबको निवेदन कर दूँ कि उस दिन संडे है, क्योंकि आप ये पहले से देख रहे हो सबको चुनाव अर्जन के हिसाब से आदेश। और वोट वाला जो है सर, ये केवल ग्रामीण क्षेत्र में है तो ब्लॉक मुख्यालय पे रहेगी और जिला कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मेघवाल ने भी खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क किया। सर मौके पर संख्या में पहुंच करके लोगों ने प्रत्याशी का स्वागत किया। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मेघवाल का खाजूवाला दौर। बीकानेर के डॉक्टर कर्णेश सिंह स्टेडियम में आने वाली 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा प्रस्तावित और इसी बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल, अशोक भाटी और दीपक पारिक सहित कई भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर कर्णेश सिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के सभा स्थल का जायजा लिया और उसका निरीक्षण किया। देखा था आपको इसकी कुछ बीकानेर में जूनागढ़ में गणगौर का मेला लगा। गौरतलब है कि बीकानेर में बालागवर, धींगागवर और बारहमासा गणगौर के विशेष आयोजन होते हैं और मेलों के रूप में जूनागढ़ में बड़ी संख्या में युवतियां गणगौर की प्रतिमाएं लेकर के आती हैं। यहां पर खोल भराई और पानी पिलाने की रस्म भी अदा की जाती है। कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में लोगों के आने से यहां पर एक मेले का रूप धारण हो जाता है। हम आपको लिए चलते हैं जूनागढ़ में जहां ढोल तासे नगाड़े और बैंड बाजों के साथ में गणगौर की प्रतिमाएं को जो है बुलाया गया और यहां पर एक मेले जैसा वातावरण बन गया। देखा था मैं आपको कुछ नजारा। महाराज ओ महाराज अब बोलो पगनी लगाओ। Thank you.
We INIFD, the cradle of designers, Gurukul Bikaner, provide you with unique learning process. We have a global reach with 100 plus centers of learning across the world. That is India, New York, Los Angeles, Singapore, Indonesia, Paris, Toronto, Melbourne, Dubai, Chicago, Nepal, Dhaka. Here at INIFD, we provide you three different courses. Dress designing and stitching, women, dress designing and stitching, kids, fabric augmentation techniques. We have Mr. Manish Malhotra and Mrs. Twinkle Khanna as the chief mentor of our INIFD. During Lakme Fashion Week, we INIFDians have our exclusive show in which Mr. Ashley Ribello, fashion stylist, is the mentor to our sisters in designing quality syllabus. We also organize commercial training for our students. Admissions for new session 2019 are open. INIFD, Gurukul Bikaner, first floor Lakshya Complex, near Rajvilas Hotel, Rathkhana Road, Bikaner. For more details, contact us on 82909-87380. INIFD, where you are one step closer to your dream. Pihu ka sapna gymnast banne ka tha. Lekin usne khud ko samjhaya ki har sapna pura thodi na hota hai. Vihan, cricket ka deewana number one. लेकिन स्कूल टीम में हमेशा नंबर 12। जब बच्चों के सपने टूटते हैं तो माँ का दिल भी टूटता है, इसीलिए अपनाइए माँ को रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसमें है पूफा जो मेंटेन करे हार्ट हेल्थ, और विटामिन ए और डी जो बनाए आंखें तंदुरुस्त और हड्डियाँ मजबूत। बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए फ्यूचर फिट बनाएं। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फिट है तो फ्यूचर है। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। पिछले दो दिनों से प्रदेश में गर्मी कहर बरपा रही है, बीकानेर इससे अछूता नहीं है। लगातार गर्मी की बढ़ती तेवर से लू की दिनचर्याएं बदल रही है। शीतल पेय पदार्थ इस गर्मी से बचने का सहारा बन रहे हैं। तेज लू से बचने के लिए लोग सड़क पर न केवल कम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अगर जरूरी काम से भी निकलते हैं तो चेहरों पर स्कार्फ लगाकर और अपने चेहरों को ढक कर काम करने के लिए निकलते हैं। दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की खास। महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता समृत सोमगिरी महाराज से राइट स्टेप ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र स्वामी और सीईओ ज्ञान गोस्वामी मिले। यही शिष्टाचार भेंट थी इस मौके पर, जहां लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता समृत सोमगिरी महाराज ने आने वाले लोकसभा चुनाव में बीकानेर के तमाम मतदाताओं को मत देने की अपील भी की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा यहाँ पर समृत सोमगिरी महाराज। अगर मतदाता जागरूक है तब उसको एक अलग प्रकार का संदेश दिया जाएगा, और यदि वह जागरूक नहीं है, तंद्रिल है, स्वप्न देख रहा है या गहरी नींद में है, तब उससे जगाना पड़ेगा। अगर जागरूक है तो उसके जागरण का विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लोकतंत्र भारतीय संस्कृति के अनुसार आलोकतंत्र होना चाहिए, प्रज्ञा से परिपूर्ण होना चाहिए,
हमारे संविधान को भी एक उदात्तता देता हुआ, गहराई देता हुआ, उसके तात्पर्य को समझता हुआ होना चाहिए। इसलिए प्रथम तो बात यह है कि प्रत्येक जो मतदाता देने के लिए अधिकारी है उसको मतदान करने के लिए जाना ही चाहिए और एक आत्मविश्लेषण करके यह देखना चाहिए कि वह न अर्थ के द्वारा, न काम के द्वारा, न भय के द्वारा किसी के द्वारा अनुप्राणित ना हो और सारे परिदृश्य को देखता हुआ, जिसको वह अपना मतदान कर रहा है उसको देखता हुआ, वह जिस दल का है या निर्दलीय है उस सबको देखता हुआ, पर अपने निकष को या कसौटी को वह ऐसा रखे कि अंत तो गत्वा हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र निरंतर विकसित होता हुआ हो। वह अपनी जड़ों को भारतीय संस्कृति के गहराई में ले जाकर वहाँ से पुष्ट हो और एक मुक्त स्वातंत्र के एक भूमा के आकाश में वह फैलता चला जाए, इस प्रज्ञा और बोध को लेकर उसको मतदान करने के लिए अवश्य में जाना चाहिए। बीकानेर के लोगों के लिए है यहाँ का पब्लिक पार्क। एक ऐसा हो गया जब पब्लिक पार्क से रौनक गायब हो गई थी, लेकिन जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम के अथक प्रयासों से पब्लिक पार्क में फिर से रौनक देखने लगी है। शाम होते ही फव्वारे चलने शुरू हो जाते हैं, पार्कों में बच्चों के खेलने और उनकी खिलखिलाहट की आवाजें सुनाई देती है, आमद बढ़ गई है और कुल मिलाकर के पब्लिक पार्क के अलग अलग उद्यानों पार्कों में खेलते हुए बच्चे, यहाँ के लिली पॉन्ड और यहाँ पर खासतौर से हॉर्स राइडिंग जैसे नजारे भी देखने को मिलते हैं। चारों तरफ पानी के फव्वारों से एक मनोरम आभा और एक दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। कुल मिलाकर के जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम के प्रयासों और उनकी पहल के साथ में पब्लिक पार्क फिर से गुलजार दिखाई दे रहा है। आइए हम आपको एक विजिट करा देते हैं हमारे चैनल के जरिए पब्लिक पार्क। पृथ्वी को बचाने का संकल्प आप हम सबको लेना है। पृथ्वी दिवस पर एक रैली का आयोजन किया गया। हम अपने भौतिक सुखों की चाह में पृथ्वी को खराब कर रहे हैं, पेड़ पौधे उखाड़ रहे हैं, यहाँ पर प्लास्टिक अधिक से अधिक हम उपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे भू काम कर रहे हैं जिससे पृथ्वी को नुकसान हो रहा है और यही कारण है कि पर्यावरण भी से असंतुलित हो रहा है। इन तमाम बातों का संदेश देने के लिए पृथ्वी दिवस पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। दिखा दें आपको इस रैली की कुछ। PCTS मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें पूरे दिन की जानकारी देनी होती है और इस बात को लेकर के स्वास्थ्य कर्मियों ने ANM एसोसिएशन ने एक ज्ञापन मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि उनके पास में न तो सरकारी मोबाइल है और न ही उनको इस ऐप को डाउनलोड करना आता है। वे अपना पूरा काम करने के बाद में इस ऐप के साथ में तमाम जानकारियों को देने में असमर्थ है और इसी बात को लेकर के उन्होंने CMHO से मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के पश्चात हमने ANM और इन स्वास्थ्य कर्मियों से की बातचीत। सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने जो डाउनलोड किया हुआ है उसमें उनका ये आदेश है कि कल 23 तारीख को उसकी VC है कि आपको एक घंटे ट्रेनिंग देके और PCTS के जो सारे डाटा है वो आपको फीड करना है। उसके लिए हमें गवर्नमेंट से कोई भी टैबलेट या फ़ोन अवेलेबल नहीं है और हमारे जो 50% बहनें हैं उनको ये मोबाइल चलाना तक नहीं आता है, और जबकि ये हमारा कार्य नहीं है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है, फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है कि ये काम हम करें। इसके अलावा जो एक गाइडलाइन पिछले महीने में दी है कि 12 से 4 आपको फील्ड में जाना है, तो एक तरफ ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल रही है कि भाई
लू के बचाव के लिए 12 बजे बाद सब जनता है वो अपने घरों में रहे, और दूसरी तरफ वो उसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप फील्ड में जाओ। तो हमें गवर्नमेंट से ये उम्मीद है। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खास खबरों। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की एक बैठक का आयोजन हुआ कलेक्ट्रेट बी सिंह। कांग्रेस के प्रत्याशी मदन बेगवाल ने खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किया संपर्क लोगों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर स्थल दौरे को लेकर डॉक्टर कर्ण सिंह स्टेडियम का मुआयना किया भाजपा के प्रत्याशी प्रताप बेगवाल सहित कई अन्य नेताओं का। जूनागढ़ में लगा गणगौर का मेला, बड़ी संख्या में लोगों ने मौजूद दर्ज कराया। शहर में गर्मी के जबरदस्त तेवर लोगों की बदल रही है टेंशन। कालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता संत सुनील देवी महाराज ने भी अधिक से अधिक मतदान करने का दिया संदेश। जिला कलेक्टर दरबार पार्क और सबकी मेहनत रंग लाई पब्लिक पार्क में दिखने लगे हैं रंग, जबरदस्त शाम को रहता है गुलदार। और एक बार फिर से राइट स्टेप टॉप और अब तक न्यूज की पहल, और मैं ज्योति प्रकाश रंगा हमारे तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि आने वाली 6 मई को याद रखिएगा, लोकतंत्र के महा त्योहार में आप अपना मतदान जरूर करिएगा, क्योंकि आपका हमारा मत लोकतंत्र को और मजबूती देगा। तो भूलिएगा नहीं, आप और हम सब मिलकर संकल्प लें लोकतंत्र के इस महा त्योहार में शामिल हो, अपने वोट का जरूर उपयोग करें। दिल की सुने, सही चुने, निर्भीक स्वतंत्र भयमुक्त होकर अवश्य करें मतदान। लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी वोट रूपी आहुति दें। लोकतंत्र के महापर्व में आइए दे अपना योगदान, सब करें मतदान। राइट स्टेप ग्रुप वो बीकानेर अब तक द्वारा जनहित में जारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।